अलगू में किसी के प्यार में सई जीतने वाली है भवानी काकू का दिल। दरअसल देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर भवानी काकू यहाँ पर बहुत बड़ा हिंट हमें शो में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर अब भाई राजीव को शिवानी को तो इस घर में रख लिया गया है, लेकिन पुलकित को देवयानी के कहने के बावजूद भी वो भवानी काकू अब उसमें घर में अलाउ नहीं करती है रहने के लिए। पुलकित भी नहीं रहना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि कोई किसी को कम्फर्टेबल नहीं होगा यहाँ पर। और देखने को मिलेगा कि अब बहुत बड़ी परेशानी आएगी भवानी काकू पर ही, जहाँ पर अब बहुत बुरी तरह से भवानी काकू को बिगड़ने वाली है हालत, जिसके बाद यहाँ पर अब सही होगी जो कि काकू को बहुत अच्छे से संभाल सकती है और काकू को एक बहुत अच्छे डॉक्टर की जरूरत होगी। वो सही यहाँ पर एक अच्छी डॉक्टर बनकर काकू की देखभाल करते नजर आएगी, पूरी रात उनके साथ जागने वाली है और उनका ख्याल रखने वाली है। विराट और सही दोनों ही मिलकर अब काकू का दिल जीतने की कोशिश करेंगे और विराट को पता था कि वही अब हमारी काकू का दिल इसीलिए तरीके से जीता जा सकता है कि वो उनको एक अहमियत सिखा सके सही के डॉक्टर होने की। लेकिन यहाँ पर लकीली उन्हें एक चांस मिल ही जाता है जब काकू की आधी रात को बिगड़ती है हालत और सही उनकी पूरी रात देखभाल करते नजर आती हैं। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि काकू को यहाँ पर जब यहाँ पर पुलकित चेक करने आएगा सुबह, तो पुलकित यही कहते नजर आएगा कि सई की देखभाल की वजह से ही इनका फीवर ज्यादा नहीं बढ़ा, वरना इनकी हालत और ज्यादा बिगड़ सकती थी और हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता था। जिसके बाद काकू को भाई अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि सई का डॉक्टर होना कितना जरूरी है, वो कितने लोगों की मदद कर सकती है। और विराट फिर वही इमोशनल लेक्चर देकर काकू को रियलाइज करवा देगा कि सही का डॉक्टर बनना हमारे लिए नहीं पूरे लोगों को, बहुत सारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है। और वो इतना अपनी मेडिकल डिग्री क्यों ऐसे ही जाया करे जब वो इतनी अच्छी डॉक्टर है। पहले भी उसने राजीव की जान बचाई, विराट की जान बचाई और उसने कितना कुछ किया है लोगों के लिए। जिसके बाद काकू तैयार हो जाती है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगी वो भी सही को, और वो होगा मुंह दिखाई की रस्म में भाई एक नए हॉस्पिटल खोलने की बात। जी हाँ दोस्तों, भवानी काकू खुलवाएगी सही के लिए एक नया हॉस्पिटल, वो भी अब अपने खानदान के नाम से, जिसको लेकर भी बवाल होगा।